2023 के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एमपी कांग्रेस में आए दिन नए प्लान बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब पीसीसी चीफ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद जातिगत जनगणना करवाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 70 साल बाद इस देश में कौन से समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं और कौन से समाज के नहीं, ये जानना जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस अब खुद अपने स्तर पर जातिगत गणना कराने जा रही है। राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो ST SC OBC के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता, इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो यह आंदोलन और तेज होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।